नमस्कार आदाब। भोपाल कमिश्नर प्रणाली लगने के बाद भोपाल यातायात में कितना सुधार आता जा रहा है ये आपको आंखों के सामने दिख रहा है। आप देखिए, हर आगंतुक को यहाँ पर रोककर समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, लोगों को समझा रहे हैं कि आइंदा आप हेलमेट लगा के चलें, अपनी ज़िंदगी से बचाएं। आज ये देखिए SI चौबे साहब जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है ये इमामी गेट पॉइंट पर, और अभी इनको देखिए। सर क्या बोला आपको? हेलमेट मैंने नहीं पहना है इसलिए बोला है उन्होंने। हेलमेट की समझाइश दी गई है, आइंदा पहनेंगे हेलमेट? जी बिल्कुल। वो आज के में कोई बात नहीं, आज जल्दी की वजह से डॉक्टर साहब हेलमेट भूल गए थे, लेकिन डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, उनके ऊपर भी बड़ी जवाबदारी है, इसलिए चौबे जी ने उनको समझाया कि आप हेलमेट पहनकर चलिए। तो सर मैं चौबे जी से ही पूछूंगा, सर आज अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है आपके द्वारा, क्या क्या समझाया जा रहा है सर? सर सर्वप्रथम तो बाइक वालों को मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों को, कि बाइक में चल रहे हैं हेलमेट लगाइए, तीन सवारी बिल्कुल मत बैठिए, चार पहिया गाड़ी वालों को भी हाँ चार पहिया गाड़ी को मैंने बताया, तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, पहला है सीट बेल्ट, दूसरा मोबाइल, मोबाइल पर बात मत करिए, तीसरा है काली फिल्म मत लगाइए। ये चूँकि दुर्घटनाओं से हमको दुर्घटना से देर भरी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली लगने के बाद कितनी सचेत हो गई है, जगह जगह चौराहों पर चेक पॉइंट बनाने के बाद लोगों को समझाइश दी जा रही है, सीट बेल्ट लगाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, हेलमेट लगाएं और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। कड़ी धूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस जो है यहाँ पर सेवा कर रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है, जो बिल्कुल नहीं मान रहा है उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। तीन आदमियों को चलते हुए चौबे जी ने रोका, लेकिन उनको समझाइश दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ बेटियां बैठी हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए, हेलमेट आइंदा हेलमेट लगा के चलोगे? अरे सर थोड़ा हॉस्पिटल आइंदा हॉस्पिटल ध्यान रखिए अपनी ज़िंदगी का। ये भोपाल पुलिस की कार्रवाई है बहुत अच्छे तरीके से, और इस वक्त चौबे जी ने इनको जाने भी दिया है। और ये जनता को भी प्रणाम किया है चौबे जी ने। हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने बेटा? आज क्या बोला आपको पुलिस वालों ने, समझाया है? क्या बोला है कि हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए, इसलिए आज आपको छोड़ा गया। कार्रवाई में माफ नहीं किया जाएगा, 250 का मामला है, 250 रुपये में आपकी जिंदगी बच जाएगी, जिंदगी है तो सब कुछ है। ये सभी भोपाल पुलिस समझाइश का दौर जारी है, हर गाड़ी वालों को रोक के नियम का पालन होना चाहिए, कमिश्नर पॉइंट लागू होना चाहिए, हर हेलमेट वाले को हेलमेट लगाना चाहिए, जो मोटरसाइकिल में कार वाले को सीट बेल्ट लगानी थी और मोबाइल का पालन करना है, सीट बेल्ट लगाएंगे। समझाइश दे रहा हूँ, हम नुकसान भेजेंगे, सहमत है तो आपको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे घटनाएं हो रही है, हमारी हमारे स्वयं की लापरवाही से घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से बचना है, जिंदगी से बड़े जीवन बच रही है, आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका दुलार चाहिए, भोपाल पुलिस समझाइश भी देती जा रही है। जो लोग बगैर मास्क के बगैर कागज़ों के सड़कों पर चल रहे हैं उनको वो भी आ रहे हैं सर, बगैर मास्क के जो लोग आ रहे हैं उनको क्या समझाया जा रहा है, बगैर कागज के जो लोग हैं? श्रीमान जी, मध्य प्रदेश के दो जिलों में इंदौर और भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। कमिश्नरी प्रणाली में आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है उसको हेलमेट लगाना अति आवश्यक है, चूँकि सिर में चोट लग गई तो उसका कोई रास्ता नहीं है, वो हेड इंजरी होगा या वो फिर अपनी बोलने में असमर्थ हो जाएगा, आगे चल करके उसकी हालत बड़ी बुरी हो जाएगी। दूसरी बात, उसको लाइसेंस के लिए बताया जा रहा है और इंश्योरेंस के लिए, मान लीजिए ऐसी घटना दुर्घटना घट गई तो उसमें लाइसेंस इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा और आपका इलाज भी किया जा सकता है। गरीब ऐसे आ जाते हैं सर जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको कैसे आप? गरीब जो हमारे पास आते हैं तो माननीय मीडिया से कहना चाहता हूँ कि उन गरीबों को समझा करके कि आप जाइए लेकिन हेलमेट जरूर लगाइए, जिंदगी पहले है इसके बाद सब कुछ है, जिंदगी है तो हम जिंदगी एक बार
जिंदगी मुझे मिल गई है बड़े भाग्य। बड़े भाग्य मानस तन पावा जीव दुर्लभ संत। मेरा नाम पंचराज चौबे इमामी के डोलवे। पंचराज चौबे जी ने बताया कि कमीशन प्रणाली लगने के बाद पुलिस कितनी मुस्तैदी से सड़कों पर काम कर रही है। हेलमेट लगाना अनिवार्य है, उससे उनकी ज़िंदगी बचती है। कई लोगों को यहाँ पर समझाइश दी जाती है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें समझाइश दी जाती है और मामूली चालान सरकार के निर्धारित प्रपत्र अनुसार मापदंड के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाती है। तो ये कार्रवाई लगातार आपको इमामी गेट पे मुस्तैद रहते हैं बहुत ही कर्मठ। और ये चौबे एसआई जिनका नाम है चौबे साहब अपनी ड्यूटी निरंतर बखूबी निभाते हैं अपने साथी के साथ और विगत कई समय से उनकी ये कार्रवाई जारी है। बड़े भाग्य मानस तन पावा जीव दुर्लभ संत गुण गावा। बड़े भाग में जिंदगी मिलती है, इसलिए जिंदगी को जब तक ऊपर वाले ने भेजा है तो इसको संभाल कर रखना है, फिर दोबारा हम किसी रोड में जाते हैं। सर क्या कमी थी गाड़ी में जो चालन बनाया है? सीट बेल्ट नहीं लगा जी। सीट बेल्ट नहीं था, सीट बेल्ट नहीं था। अच्छी बात है, क्वेश्चन कर लीजिए। सीट बेल्ट नहीं था इसलिए भूल गए थे। सीट बेल्ट लगाने से आपके जीवन सुधरता है लेकिन भूल गए थे ये। इन्होंने अब यहाँ पर चालन भी कटवाया है और ये जा रहे हैं। मैं आसिफ खान कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ राजधानी भोपाल से।